आज रूबिक्स क्यूब के लिए दो बेस्ट बजट ल्यूब्स को मैंने खरीद लिया और आज की वीडियो में इन दोनों को अनबॉक्स करेंगे, रिव्यू करेंगे, रूबिक्स क्यूब को ल्यूब करना सिखाऊंगा और बहुत कुछ। बस वीडियो के साथ बने रहो यार। ये फ्लायर बहुत जबरदस्त है। ये रहा GEM ल्यूब, ओ यार बिल्कुल भी लीक नहीं हुआ हुआ। और ये रहा मारू ल्यूब। ये दोनों को बेस्ट बजट ल्यूब माना जाता है। इसको तो मैंने बहुत फेमस कर दिया, GEM ल्यूब को बेस्ट बजट क्या क्या क्या। और मारू ल्यूब बेसिकली असल में बेस्ट बजट ल्यूब है। पैकेजिंग की बात कीजिए तो काफी क्लीन है और इसको भी निकाल लेते हैं बॉक्स से बाहर। यार इसका बॉक्स लाइक बहुत यार क्यूट है, छोटा सा, मतलब कुछ अलग है यार। ये रहे हमारे दोनों ल्यूब। आई थिंक ये 10 ml है और ये 3 ml है, शायद ऐसे ही कुछ है यार, मुझे याद नहीं ठीक से। ये थोड़ा सा थिक है, तुम लोग देख सकते हो, थोड़ा सा लाइक ये पतला नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल पतला ल्यूब होता है। खैर इन दोनों को आज हम टेस्ट करने वाले हैं मीलोंग के 3x3 में। मीलोंग के 3x3 में क्यों यार? क्योंकि अक्सर लोगों के पास होता ही बजट क्यूब है। यार ये क्या बॉक्स के साथ हो गया। खैर होता ही बजट क्यूब है, तो इसलिए हम एक बजट क्यूब में ही ये दोनों ल्यूब्स डाल के देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखना चाहूंगा ये ल्यूब तो नहीं है यार, इसमें तो पहले से ल्यूब है। हाँ थोड़ा बहुत, बट उसकी हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टू बी ऑनेस्ट मीलों की यार ट्रेंडिंग बहुत मजेदार है। तुम लोगों ने ये खरीदना है तो पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके खरीद लेना। 499 का बेच रहा हूं। खैर इसके सेंटर कैप में मैं ओ लिख रहा हूँ सिर्फ याद दहानी के लिए कि इसमें हमने, या कोई भी निशान लगा देते हैं अगर लग गया तो। मेरा निहाल इसमें निशान लगेगा यार। यार ये निशान मैं लगा दिया और इसका मतलब है इसमें हम डालने वाले हैं GEM ल्यूब। ल्यूब करना बहुत आसान है। अगर तो सिर्फ एक तुम लोगों के पास ल्यूब है, बस खोलो इसको, थोड़ा सा ऐसे करो, सिर्फ एक ड्रॉप, सिर्फ एक ड्रॉप, एक ड्रॉप गिर गया, ठीक है, एक ड्रॉप गिर गया, इसको बंद करके बिल्कुल उसके अपोजिट साइड, लाइक मैं इस तरह करता हूं, यहां पे सिर्फ एक ड्रॉप लग गया। अब मैं क्या करता हूं, मैं किसी भी एच पीस के इधर इस साइड पर एक ड्रॉप की लाइन बना देता हूं कुछ इस तरह। मैं तुम लोगों को दिखाता हूं, तुम लोग देख सकते हो ये ल्यूब की एक तरह की लाइन कह लो, या थोड़ा फैला दिया। और बस अब मैं इसको रैंडमली स्क्रैम्बल करता रहता हूं। इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को टर्न करना पड़ेगा ताकि ल्यूब हर जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। आई थिंक बहुत है। और अब ल्यूब तुम लोग अंदर देख सकते हो भर भर के है, सिर्फ 3 ड्रॉप हमने लगाए हैं। अगर कम लगे तो तुम लोग एक ड्रॉप और ऐड कर सकते हो, फिर कम लगे फिर एक और। बहुत ज्यादा ल्यूब इकट्ठा लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा लगाओगे तो तुम लोगों को रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तुम लोग देख सकते हो कॉर्नर कटिंग भी, ओ यार। अब है बारी इस क्यूब को ल्यूब करने की। इसकी कॉर्नर कटिंग अभी तो थोड़ी सी हार्श टाइप है। खैर इसको हम मारू ल्यूब से करने वाले हैं। सील हमने खोल दी है और आई थिंक ये बिल्कुल पानी की तरह का होगा, व्हाइट कलर का। तो सेम स्ट्रेटेजी हम यहां लगा रहे हैं, तुम लोग देख लो एक ड्रॉप। नहीं यार ये पानी की तरह का नहीं है। अब ये मारू ल्यूब ही है ना यार, मारू ल्यूब तो व्हाइट कलर का होता था, पता नहीं यार। खैर इस तरफ डाल दिया, अब हम इस तरफ डालेंगे। और अब हम किसी भी एक एज के इधर थोड़ा सा फैलाएंगे ल्यूब। चलो और सेम टेक्निक इसको स्क्रैम्बल करेंगे। तो भाई दोनों के ल्यूब जो हैं वो हमने हर जगह अच्छी तरह रचा बसा दिए हैं टर्न कर करके। अब इनको ब्रेक इन करने का टाइम है। दोनों पे मैं 20-20 सॉल्व करूंगा ऑलमोस्ट, लेकिन अभी थोड़े से अपना लाइक अगर फर्स्ट इंप्रेशंस की बात करूं तो इसमें GEM ल्यूब डाला है तो यार ये बहुत मुझे स्मूथ लग रहा है, लाइक सिल्की स्मूथ। कहने का दिल नहीं कर रहा क्योंकि यार ये बहुत सस्ता है, बट यकीन मानो ये बहुत सिल्की स्मूथ फीलिंग प्रोवाइड कर रहा है, मतलब मजाक नहीं यार। और इसमें है मारू ल्यूब तो यार ये बहुत फास्ट फीलिंग दे रहा, बहुत ही फास्ट, लाइक अनकंट्रोलेबल जिसको हम बोल सकते हैं ये वो इस वक्त है। ये बेसिकली इसने इसको स्मूथ तो किया लेकिन उससे ज्यादा इसको फास्ट कर दिया, अनकंट्रोलेबल की हद तक यार, पता नहीं मैं क्या बोल गया हूं।
तो भाई बस थोड़ा सा मुझे टाइम दो, मैं दोनों को ब्रेक इन करूं और फिर आता हूं वापस। तब तक के लिए बाय यार। लो भी हम आगे इनको ब्रेक इन करने के बाद और अब देने वाला हूँ ऑनेस्ट रिव्यू। सबसे पहले ची एम ल्यूब की बात कर लेते हैं। तो यार बिल्कुल सेम ची एम ल्यूब ने बेसिकली इसको कंट्रोलेबल कह सकते हैं, मतलब काइंड ऑफ, मतलब तुम लोग अगर इस ल्यूब को देखो तो ये थोड़ा थिक है यार। तो कहीं ना कहीं इसने इसको बहुत अच्छे वाला लाइक बहुत थोड़ा कंट्रोलेबल स्मूथ सिल्की स्मूथ टाइप का बहुत ही स्मूथ किया है। मजाक नहीं कर रहा, तुम लोग देख सकते हो ये कितना स्मूथ हो चुका है और मुझे बहुत इंजॉय कर रहा हूँ मैं इस ल्यूब को, टू बी ऑनेस्ट। लाइक मैंने जब RS3M 2020 में 6 अलग अलग सेटअप ट्राई किए थे तब भी मैंने बोला था कि मुझे GEM ल्यूब का सेटअप बहुत पसंद आया। मैं पता नहीं क्यों इस ल्यूब को इतना प्रमोट कर रहा हूँ, मुझे ना तो ये फ्री में मैंने लिया ना मुझे कंपनी ने कोई पैसे दिए हैं, लेकिन ये ल्यूब बेसिकली बहुत ही सस्ता तुम लोगों को AliExpress से मिल जाएगा, शायद दराज पर भी हो तुम लोग चेक कर लो। एंड लेवल ल्यूब है यार, लाइक अगर तुम लोग कंट्रोलेबल, मतलब कंट्रोलेबल वैसा नहीं कि तुम लोगों ने वेट 5 या एंगस्ट्रम ग्राविटास लगा दिया, वो वाला कंट्रोलेबल नहीं, लेकिन एक बहुत अच्छे वे वाला कंट्रोलेबल, थोड़ा बहुत कंट्रोलेबल तुम लोग कह सकते हो। क्यूब चाहिए जो कि देखो यार जरा भी फिंगर ट्रिक्स मैसअप नहीं हो रही, कोई लॉकअप नहीं आ रहा। ऑब्वियसली क्यूब भी अच्छा और फिंगर ट्रिक्स भी मेरी अच्छी हैं, लेकिन फिर भी ल्यूब का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमाल है। आई थिंक हमें इस पे करना चाहिए एक सॉल्व। ओ भाई स्टार्ट यार। एक तो ये एंगल से मुझे अब नफरत हो रही है वक्त के साथ साथ, लाइक कुछ एडवांस F12 का केस, मतलब एल्गोरिथम N13.4 यार, क्योंकि ये मैग्नेटिक नहीं है इसलिए तुम लोगों को बहुत फ्लिमजी मतलब थोड़ा ट्रेंडिंग नहीं लग रही होगी एक्यूरेट। ऑब्वियसली यार 499 का बेच रहा हूँ और क्या चाहिए, डिस्क्रिप्शन में जाके खरीद लो और तुम लोगों को ये वाला क्यूब मिल सकता है ल्यूब वाला। आई थिंक अब बात करते हैं अपने दूसरे की। इसमें हमने डाला था मारू ल्यूब, मैंने कल रात को चेक किया ये मारू ही है, ये देख सकते हो तुम लोग MARU, ये बड़े स्टाइल में मारू लिखा गया। ऑब्वियसली ये थोड़ा पतला ल्यूब था तो इसने उस लेवल का इसको लाइक स्टेबल या कंट्रोलेबल नहीं बोलना ठीक रहेगा, मतलब स्लो नहीं बनाया लेकिन इसने इसको फास्ट बनाया, लेकिन दोनों ल्यूब्स बहुत मिलते जुलते हैं। टू बी ऑनेस्ट मैं फर्क बता सकता हूँ दोनों को टर्न करके, लेकिन हर कोई नहीं बता सकता, बहुत मिलते जुलते ल्यूब्स हैं दोनों, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा सा स्टेबल है जबकि मारू थोड़ा सा फास्ट है। हाँ लेकिन दोनों की टेंशन्स में फ़र्क है, ये थोड़ा टाइट है इसलिए शायद ट्रेंडिंग पर कुछ फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा फास्ट है और वो थोड़ा सा क्यूब को स्टेबल बनाता है, स्लो बोलना भी ठीक नहीं रहेगा। जाते जाते इस पर भी एक सॉल्व करते हैं और मैं बताता हूँ तुम लोग ये क्यूब किस तरह खरीद सकते हो ये ल्यूब हुए हुए, क्योंकि ये मैंने बेचने ही हैं सेम प्राइस में। लो भाई मैंने तो वही नहीं किया इंस्पेक्ट। चलो यार स्टार्ट करते हैं, इंस्पेक्शन के बगैर ही आज स्टार्ट करते हैं। यार ये क्या बकवास है, हर केस बुरे से बुरा। 13.8 सेम। आई थिंक अब तुम लोगों को पता लग गया होगा तुम लोगों ने कौन सा ल्यूब लेना है, दोनों ही सस्ते तरीन ल्यूब है, दोनों ही मजेदार है। जिन लोगों ने ल्यूब्स पे पैसा बर्बाद नहीं करना वो चुप करके ये दोनों ल्यूब्स ले सकते हैं, दोनों ही एक से बढ़ के एक है और ऑलमोस्ट सेम है। बाकी तुम लोगों को मैं फर्क बता दिया, अब मैं बताता हूँ तुम लोगों को ये कैसे तुम लोग खरीद सकते हो ये ल्यूब हुए वे। भाई ल्यूब हुए वे भाई, इस पर लिख दिया गया है ये मारू ल्यूब से ल्यूब किया गया है और ये GEM ल्यूब इसमें डाला गया है। तो ये दोनों ही चले जाएंगे उसी डब्बे में। अभी तुम लोग डिस्क्रिप्शन में अगर खरीद लोगे तो पहले दो जो भी खरीदेंगे उनमें से किसी को एक एक ये क्यूब मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम लोग खरीद सकते हो। सेटअप हुआ हुआ है, ब्रेक इन हुआ हुआ है, तुम लोगों ने बॉक्स से निकाल के बस सॉल्व करने लग जाना है और क्या यार। आई थिंक इस वीडियो करते हैं खत्म। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कमेंट करो, चैनल पर नए चैनल करो सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को दबा लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, सब्सक्राइब यार।